स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेटकुली के धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं, जिसके कारण गुस्साए हुए किसानों ने सुबह से लेकर शाम तक धरना प्रदर्शन किया। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेटकुली के धान उपार्जन केंद्र में गुस्साए किसानों ने सुबह से लेकर शाम तक धरना प्रदर्शन किया, जिसका मुख्य कारण यह है कि जो किसान 80 क्विंटल का टोकन लाए हुए थे उनका 40 क्विंटल और जो 40 क्विंटल का टोकन लाए थे उनका 20 क्विंटल ही धान खरीदी किया गया और किसानों ने गाड़ी किराया करके अपनी धान को बेचने के लिए धान उपार्जन केंद्र में लाए हुए थे और आधा खरीदी करने के बाद आधा धान को कहां करें यह समझ से परे था। गरीब किसानों ने तो कर्जे से पैसे लेकर गाड़ी किराया करके यहां तक धान को लेकर आए थे, लेकिन फिर से उस धान को वापस घर तक ले जाने के लिए फिर से किराया करना पड़ेगा, जिसका पैसा देने के लिए किसान सोच में पड़ गए और अचानक से धान खरीद को सरकार द्वारा आधा कर दिया जाना किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, जिससे बौखलाए हुए किसानों ने ग्राम पंचायत बिटकुली में धान उपार्जन केंद्र पर आसपास के सभी क्षेत्रों से आए हुए किसानों ने सुबह से लेकर शाम तक धान उपार्जन केंद्र में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। आज किसानों का धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि शासन के द्वारा इस बार सॉफ्टवेयर में सिस्टम में चेंज कर दिया गया है। पिछले बार एक किसान का प्रति एकड़ 15 क्विंटल को एक बार में ला के बेच सकता था, लेकिन अब उसको दो बार में बेचना है करके एक बार 7 क्विंटल एक बार 8 क्विंटल कर दिया गया है। तो आज जैसे हमारे सोसाइटी में 32 किसानों का 1032 क्विंटल का टोकन कटा था, जिसमें किसान अपना पूरा धान ले आए थे। जैसे किसी का 80 क्विंटल का टोकन कटा है तो अपना 80 क्विंटल ले आया था, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसका लगभग 40 से 45 क्विंटल धान सॉफ्टवेयर में चढ़ना है, बाकी धान किसान को वापस अपने घर लेके जाना है। इस बात को हमने किसानों को अवगत कराया है, इसलिए किसान धान नहीं बेचेंगे करके धरना प्रदर्शन किए हैं। ऐसे हमारे जानकारी के अनुसार से आज सुबह 9 बजे ही मेरे को जानकारी हुआ है, ऑपरेटर बताया है, तो उससे पहले मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं था। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आज बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिटकुली धान उपार्जन केंद्र में आए हुए हैं, जहां पर सभी किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन दिए हैं कि धान खरीदी में कुछ गड़बड़ी किया जा रहा है, उसके कारण सरकार के विरोध करने के कारण, और सभी आज यहां पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और जो गेट मेन मंडी का जो गेट होता है उसमें ताला लगा दिए हैं। तो क्यों ये सब कर रहे हैं, क्या कारण है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं ग्राम पंचायत बिटकुली के ग्रामीणों से। आइए, नाम बताएंगे? राजेंद्र वर्मा। क्या परेशानी हो रही है आपको? हमको परेशानी ये हो रहा है कि हमारे किसान को 15 क्विंटल धान लेना था, उसमें आज कटौती कर दिया गया है 8 क्विंटल। हम लोग 2500 क्विंटल का यहाँ प्रतिदिन खरीदी करते थे बिटकुली में, आज 1500 कट्टी का खरीदी करते थे, आज के डेट में वो 1000 ही कट्टी मतलब खरीदी कर रहा है, तो किसान को बहुत तकलीफ पहुँच रहा है। किस कारण से ये सब हो रहा है आपको पता है इस बारे में? अगर ठीक है वो अगर 8 ही क्विंटल ले रहा है तो एक काम करे वो सरकार कि किसान का कर्ज मत काटे, किसान का जो ये है उस पैसा को उसे खाता में डाले, अगला किस्त ले आएगा धान उसमें वो कर्जा को काटेगा। अगर वो 2500 कट्टी की दर में वो 1000 कट्टी किया है तो हमारे पास 40 दिन का समय है, 2 महीना बचा धान खरीदे में, तो 40,000 कट्टी ही मतलब खरीद पाएगा। अगर 1500 कट्टी करता है तो मात्र 60,000, बाकी धान को किसान कहाँ करेगा बताइए। इस बात के लिए हम धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं यहाँ, से जानकारी लेंगे, किसान से जानकारी लेते हैं। मेरा नाम अशोक पाटले है। बड़ी किसानों में आक्रोशी है कि बेगर बताए हुए यहाँ पर बहुत मात्रा में भी कट चुकी है जिनका टोकन, अब वो अपना धान लेकर के यहाँ आ गए हैं। अब आ गए हैं तो यहाँ अचानक शासन की ओर से निर्देश हुआ कि 1 एकड़ में धान 15 खरीदना था उसको 8 कर दिया गया। अब 8 कट्टी धान को किसान 8 क्विंटल धान को यहाँ से अपना घर फिर लेके जाएंगे। एक तो किसान एक कैसे करके मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद यहाँ लाते हैं और यहाँ से फिर ला जाना, फिर लाना, एक उनका जो किराया वो बढ़ जाता है, उनका जो मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाता है। तो मैं शासन से ये दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी अभी तक आए हुए हैं
जितने भी अभी टोकन कटर और यहाँ पहुँच गए हैं, कम से कम उनको तो शासन 15 क्विंटल ले। बाकी जब ऐसा था तो एक दिन या 8 दिन पहले यहाँ पर गेट पे लगा देना था कि हम यहाँ 8 क्विंटल ही खरीदेंगे प्रति एकड़ के पीछे, जबकि यहाँ पर लक्ष्य था कि 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने का, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे कितने किसान भाई हैं जो यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं हमारे क्षेत्र से और भटक रहे हैं, यहाँ पे कुछ चेतावनी दिया जा रहा है, यदि नहीं होगा तो चक्का जाम भी किया जाएगा किसानों के द्वारा और इसका परिणाम भी शासन को भुगतना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं, पूरे गांव भर, पूरा बिटकुली गांव के सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, सभी किसान हैं, और किसान से जानकारी लेते हैं उसको भी क्या लग रहा है इस बारे में। हेलो, मैं योगेश्वर उपाध्याय। ये हमको ये दुख लग रहा है कि हम लोग यहाँ धान लाने के बाद ये सूचना मिला कि 8 क्विंटल लेंगे करके, अब हम लोग पूरा ट्रैक्टर में भर के ले आए हैं, उसको पलटी भी कर लिए हैं, सब कर लिए हैं, उसके बाद भी अब 8 क्विंटल लेकर करके तो उसको वापसी ले जाना है, मजदूर का देना है पेमेंट, किराया देना है, भाड़ा देना है, तो कहाँ से कर पाएंगे? वो तो कर्जा का काट लेगा, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से पेमेंट करेंगे? ये धरना प्रदर्शन कब तक रहेगी, ये जानकारी लेते हैं, बताएंगे कब तक धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन जब तक रहेगा कि शासन जो 15 क्विंटल खरीद रहा है और 15 क्विंटल जब तक नहीं खरीदेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन रहेगा ही और सोसाइटी बंद रहेगा। यहाँ पर जो ताला लगा है वो ताला नहीं खुलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इन किसानों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है यह कब तक ऐसे ही हालात में रहेगा। बिलह से मनहरण बंजारे के साथ राम भरद्वाज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।